Hey guys, it's Kristine. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, अभी जो भी इलेक्शन सिचुएशन है, इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद लोगों ने पीटीआई के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है हैवी मात्रा में, जो कि काफ़ी वैलिड चीज़ भी आई थी कि जब उनको लग रहा है कि उनके लिए बहुत इनजस्टिस हुआ है तो उन्होंने ये चीज़ शुरू भी की है एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है एंड हम लोग इस न्यूज़ को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में क्या व्यूज़ हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पढ़ रही हूँ। और ऐसी कोई भी वीडियोज़ या सिचुएशन है जिस पे आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूँ तो आप मुझे पक्का कमेंट करके बताना। एनीवे, लेकिन अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ ला सकूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम इज़ वेल। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। शरका गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर प्रेस क्लब पहुंचे हैं। इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी है। हंगामा राय की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, तर्जुमान पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनवर भी हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, यहां पर रैली में कितनी बड़ी तादाद है शरका की और इसको लीड कौन कर रहा है? शेर अफजल मरवा जी, यहाँ पर शेर अफजल मरवत जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो लीड करते हुए F9 पार्क से रैली लेके कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं वो भी उनके हमराह हैं। ताहम अब ये रैली जो है ये नेशनल प्रेस क्लब पहुँच चुकी है, जिस जगह पर यह एहतजाज किया जाना था, क्योंकि इंतजामिया ने गुज़श्ता रात वहाँ पर खुदाई कर दी थी। ताहम अब ये सारी रैली जो है नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो डबल रोड है उसके ऊपर मौजूद है। आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। दूसरी जानब पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, फैसल एवेन्यू की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसका मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और वहाँ जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ताहम अभी तक जो इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि ये रैली ही नहीं निकालने दी जाएगी, वो हम देख रहे हैं कि उसमें पसपाई का सामना करना पड़ रहा है इस्लामाबाद पुलिस को और ज़िला इंतजामिया को, क्योंकि अब बड़ी तादाद में कारकुनान अब गाड़ियों पर मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ ही देर बाद एक स्टेज कहा यह जा रहा है कि लगाया जाएगा मेन रोड के ऊपर, जहाँ पर शेर अफजल मरवत समेत तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। जो कहा ही जा रहा है कि जो सवाबी और अटक से भी कुछ रैलियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं और कुछ ही देर बाद उनको अभी रोका गया था 16 नंबर चुंगी के करीब, 26 नंबर चुंगी के करीब, लेकिन अब वो कह रहे हैं वो भी रैलियाँ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी। अच्छा कमर साहब, लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि दफा 144 नाफिज है जिसकी खिलाफ वर्जी पर सलमान अकरम राजा समेत 18 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद में भी तो कहीं दफा 144 नाफिज नहीं है, जरा इसको कन्फर्म कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज बाकायदा डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से एक प्रेस की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि दफा 144 जो है वो नाफिज की गई है और रेड जोन का जो रेडियस है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अच्छा। किसी भी रैली की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है नियाजुल्ला नियाजी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को दी गई थी कि वो एक रैली जो है वो निकालना चाहते हैं, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये दरख्वास्त जो है ये पुलिस को दी जाए, लेकिन पुलिस को कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, इसलिए दफा 144 नाफिज थी और यहाँ पर किसी भी रैली की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमने देखा कि F9 पार्क से ये रैली शुरू हुई, पहले 11 बजे के करीब बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, फिर एक रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचे और अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो मेन डबल रोड है वहाँ पर ये रैली पहुँच चुकी है और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है अब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने सिर्फ रेड जोन को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया है और ये कहा जा रहा है कि कमल ये बताएगा हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए कि इनका मेन पॉइंट है कहाँ पे, चूंकि आप बता रहे कि रेड जोन तो बंद है तो कहाँ जाके इस रैली ने रुकना है, ये चलती रहेगी? जी गुज़श्ता रोज जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि F9 से ये रैली शुरू होगी और नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी, क्योंकि गुज़श्ता रात इंतजामिया ने यहाँ पर जो ग्राउंड है जहाँ पर एहतजाज होते थे उसको उसकी खुदाई कर दी और वो वेन्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इसी वजह से अब ये रैली जो है मेन डबल रोड के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर ही एक स्टेज जो है आर्जी तौर पर बनाया जा रहा है जिससे जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खिताब करेंगे।
इंतजामिया ने प्रिकॉशनरीली जो रास्ते हैं रेड जोन के वो बंद किए हैं। ठीक है, नेशनल प्रेस क्लब तक इस रैली को जाना है। आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं। कमर पिशावर से शाहबुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब, आप बताइएगा कि क्या पिशावर में भी पीटीआई कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं? अगर ये जमा हो रहे हैं तो कहाँ पर ये जमा हुए हैं? जी बिल्कुल, ये पेशावर का रिंग रोड है जहाँ पर हजार खानी पार्क है। यहाँ पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कारकुनान अपने नौ मुंतखब एमपीए के हमराह काफिलों की शक्ल में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अहाली इंतखाबात में मुबैना गांधी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसकी क्यादत जो है नामजद वजीर आला अली अमीन के नफूर साहब करेंगे। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पंडाल को सजा लिया गया है, पार्टी के तराने और नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी रहनुमा है उनका ये कहना है कि जब तक सही नतायज हमें नहीं मिलते तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह ही हम एहतजाजी मुजाहरे करते रहेंगे। जी सही है, ठीक है शहाब, आप साथ रहेगा। दोबारा से हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है, क्या सिचुएशन है, क्या जो मुजाहिरीन है उनकी तादाद में इजाफा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं एंड उन्हें ये चीज समझ आ रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे इलेक्शन रिग थे एंड जो रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते थे कि इलेक्ट हों वो अनफॉर्चुनेटली शायद उनको नजर नहीं आया। उनको ऐसे लगा कि उनके जो वोटिंग का राइट है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको सही से इस्तेमाल करने नहीं दिया गया, इसीलिए लोग पीपल हैव कम आउट इन ह्यूज नंबर्स सपोर्टिंग देयर फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने वोट किया था। किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है, वो है कि देयर राइट टू वोट, जो पीपल्स राइट टू वोट है। एंड अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने वो राइट एक्सरसाइज तो किया है लेकिन उसका उनको फ्रूट नहीं मिल रहा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चूज़ किए वो नहीं आ रहे, तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ लगी है कि हमें रिग किया गया है ऑफ द इलेक्शंस दैट वर कंडक्टेड। तो बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इसलिए लोग भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी इलेक्शंस हुए उसमें। एंड ऑल ओवर पाकिस्तान ये चीज़ हो रही है, इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, और अगर कैपिटल में ऐसी चीज़ होती है मतलब पीपल हैव रियली फेल्ट दैट दे हैव बीन रॉन्ग। एंड हर जगह भी हो रही है, पेशावर में भी हमने देखा कि हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो गाइज, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइज।